Hi guys, welcome back to my channel and another video. So yes, नया दिन एंड आज हम पुराने दोस्तों से जी भर के दिल लगा के मिलेंगे. तो जा तू जा भाई. तो यस, अभी हम हमारे दोस्तों से मिलेंगे. और आज मतलब एक होता ना संडे मंडे ट्यूसडे वैसा कुछ नहीं, आज फ्रेंड डे है. आज हम हमारे दोस्तों से मिलेंगे. तो यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं, ट्रेन से चलते हैं जल्दी पहुँचने के लिए और फिर सीधा मिलते हैं हमारे जिगरी से. इतने टाइम बाद हमारी लड़ाई हो गई थी भाई, बहुत ज़ोर से सर्वर फाड़ दिया था मैंने उसका और उसने मेरा पैर काट दिया था. प्लास्टिक सर्जरी कराई है मैंने. कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी. ऑटो इतने गलत लोग हैं, इनको हाईवे से जाना चाहिए ऊपर से और ये लोग नीचे से जा रहे हैं. बताओ ये ऑटो वाले भैया का रास्ता रोक रहे हैं. भैया केस करो, चल के चलो अभी पुलिस स्टेशन, चलो केस करो इन पे. ओके गाइस, सो बुलेट चला रहा है, ये बुलेट को चला रहा है या फिर बुलेट इसको चला रहा है. इधर आ जा तू, अब वहां के एंट्री मारी है. ओके गाइस, सो फाइनली मैं आ गया हूँ. और जैसे कि जो मैंने इससे पहले वाला व्लॉग डाला था, गाइस कौन आया इसके साथ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? गधे गधे गधे. जैसे कि इसकी मेरी लड़ाई होगी तो मैंने बताया था. बाकी भाई तेरा भाई है ना, प्लेग्राउंड जीत के आ गया है. प्लेग्राउंड जीत के आ गया भाई. अरे वो छोड़, मैं ये बोल रहा हूँ, पहले मेरे को दो रीजन बता मैं प्लेग्राउंड में क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ. एक रीजन बता दे, मतलब एक रीजन लड़के आया भाई. अबे लड़के इसमें माहिर वही क्या है, इसलिए लड़के आया है. नहीं लड़के नहीं भाई, गेमर नहीं ना मैं, उसमें गेमर की जरूरत होती है यार. अभी तू मॉडलिंग वाले शो में डांस करके आया तो फिर क्या होगा, कोई लेगा थोड़ी. हाँ तो मतलब हमारा ऐसा है कि हमें क्या बोल दे मैंने, फर्क नहीं मतलब अभी क्या पता अभी गलत हुआ है तो कुछ बाद में सही तो होगा. अरे मतलब फर्क, मतलब पहली बात तो वो शो मेरे टाइप का था नहीं, अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो अच्छी बात. आउट होने के बाद बोल रहा है, देखो देखो मैं पहले अगर भी बोला शो के अंदर होता ना मैं बेस्ट हूँ, मैं गेमर नहीं तो भी अंदर में हूँ. नहीं नहीं वो तो मैंने बोल के रखा भाई शो से पहले, मैंने पहले सीजन में यही बोला था. तो मतलब गेमिंग का शो था और सेलेक्ट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हमारी जो जर्नी चली रही है उसमें हम कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे. बाकी अभी कुछ यहाँ अच्छा करेंगे हम लोग, अभी यहाँ हैं और इसके बाद फिर मेरा भाई जा रहा है मुझे छोड़ के हार्दिक भाई के पास. वो लोग यहीं, ये लोग कहीं तो घूमने जा रहे हैं. तो यस, अभी हम लोग जा रहे हैं और बहुत टाइम बाद जा रहे हैं हमारे दूसरे घर में. लेट्स गो. पता नहीं क्यों हाथ में ना चीज़ें रुकती नहीं, जब भी मैं और ये H&M में आते ना भाई, तो इतनी कुछ चीज़ तो ले लेते. तो मैंने ये तीन इनर लिए हैं, सुंदर सुंदर सी जो बहुत डिफरेंट कलर की. बाकी अब मुझे कुछ नहीं लेना गाइस, क्योंकि मुझे अभी 7 तारीख को मेरा रेंट पे करना है. तो मैं कुछ नहीं लूँगा, सिर्फ मैं इनमें ही बस कर रहा हूँ फिलहाल के लिए. बाकी जब जैसे ही पैसा आ जाएगा तो आग लगा दूंगा. बाकी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही लेना है मुझे, तो बस इतना ही काफ़ी है. मुझे पता चला कि जो वाउचर होता है वो कब काम आता है, कैसे काम आता है. भाई साहब मेरा 1800 बना था बिल और मेरे पॉइंट्स की वजह से मेरा बिल सिर्फ 1500 समथिंग ही रह गया. वाओ, थैंक यू H&M कार्ड भाई. अब तो मैं हमेशा H&M का कार्ड यूज़ करूँगा. बाकी गधा पता नहीं कहाँ घूम रहा है. सो गाइज, हम लोग आए थे ना जोए के घर पे, जो हमारे कैमरा मैन है. ये इतनी बेस्ट है ना भाई साहब, ये आकाश के काम के लिए और मेरे काम के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं. मतलब थैंक यू सो मच, ऐसे हमेशा आप इतना ही अच्छा काम करते रहो. ये आपने ये 2.5-3 लाख का PC ले रहे, 2-3 और रखे रहे यहाँ पर, ये कैमरा जो आपके रखे रहे और 6-7 हो जाए, इतनी दुआएं आपके साथ हमारी. थैंक यू सो मच हमेशा अवेलेबल रहने के लिए भाई. थैंक यू बोल दे तेरे काम के लिए, तूने जो अभी वीडियो पोस्ट किया ना ये. थैंक यू जोए, लव यू. ओके, सो घूमा घामी करने के बाद हम लोग थोड़ा आए हैं यहाँ पे KFC खाने के लिए. और सच बता, मेरे को भूख नहीं लग रही थी. अब बोलेगा पैसे नहीं इसके पास इसलिए खिला नहीं रहा. एक्चुअली सीन क्या, मेरे को हर महीने ये रेंट देना पड़ता है क्योंकि सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी पड़ती है इधर मुंबई में. तो यस, अभी मैंने इसको बोला कि भाई तू खा ले, टेंशन मत ले, जब नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं कर दूंगा, देखो जहाँ खाना वहाँ खा ले. तो बेचारा आप समझ लिया, उसके समझ लिया इमोशनल डैमेज कर रहा हूँ इस व्लॉग में, बोल रहा हूँ तेरे सर की कसम. देखो अगली बार जो भी खाना तो मेरा हाथ पकड़ के ले चलियो, जैसे पापा को लेके जाते ना वैसे लेके चल दियो. क्या कह रहा है? मैं खिलाऊंगा तुझे. हाँ, ठीक है, जो मुझे बोलना था वो रीजन बता, बता दी मैंने, पूरा रीज़न बता दिया, जो भी रीज़न था गाइस मैंने आपको बता दिया. तो बस इस महीने का रेंट पे करने के बाद सारी चीज़ें होने के बाद उसके बाद मैं इसको लेके जाऊंगा, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा उस दिन तो मैं खिला दूंगा उसे जो भी चाहिए और कुछ दिला भी दूंगा भाई तेरे को जो चाहिए. ज़्यादा तू भी बोल दिया. थैंक यू भाई, इस बार ये पूरी ट्रीट तेरी तरफ से है, मैं लोगों को चीख चीख के बोल सकता हूँ. थैंक यू यार दोस्त. बर्गर कहाँ है मेरा? ये रहा. अच्छा, मैंने मना किया था ना इसको, अब ला रहा है तो फिर खिला ही दे. चल भाई, मस्त खा पी लिया मैंने आज, तो फ्री में मजा आ गया. आज तो फ्री में खा के भाई मजा आ गया, फ्री में खा के. तो
बस अभी भाई जा रहा है अपनी बुलेरो से घर जा रहा है, और फिर मैं भी अभी घर ही निकलूँगा। आज का दिन संपूर्ण रहा, बहुत खुश रहा, मज़ा आया। और भाई की अपाची खड़ी है यहाँ पे, यही है कौन सी है, यही है, जा भाई लेके मारूंगा ना। चल भाई टाटा है, कल मिलते हैं सीधा। भाई सो फाइनली हम लोग हमारी मंजिल पे आ चुके हैं, और एक मैं इतने अच्छे ब्रांड से शॉपिंग करके आया हूँ ना H&M से, बट ऐसा लग रहा है जैसे थैले में ना सब्जी भर के नहीं लाते घर वाले, वैसा भी एकदम फुल फट फूट गया एकदम से ना, क्योंकि आकाश की स्कूटी में रखा था तो पूरा का पूरा फट गया ये। और फाइनली हम लोग घर आ गए, अभी मैं घर जाऊंगा। और बच्चों आप लोग भी घर जाओ, पर जाने से पहले कुछ नहीं करना, लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई लव यू गाइज़।